26 रे आसीबो बात्या केउंटी करिबो लैंडफॉल। पाणीपाग विभागर प्राय काकलन उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल ठारू सुंदरबन और बांग्लादेश मध्य स्थलभाग छुईब। आईएमडी रो आकलन शनिवार पूर्व बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र 23 तारीख में अवपात में परिणत होई 24 तारीख बेलू बात्यार रूप नहीं पारे। प्रभाव उपकूल ओडिशा रे पवन बहिब, धीरे धीरे पवन बेग बढ़। 25 तारीख प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। संभाव्य बात्या नहीं आईएमडी और एनडीएमए बैठक कर एसआरसी। 22 मई तक हमारा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी एरिया में लो प्रेशर व लघुचाप होने का चांसेस है। अभी हमारा इसका मूवमेंट फिर नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और 24 तक साइक्लोन बनने का चांसेस है एंड फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और फर्दर इंटेंसिफिकेशन का भी चांसेस है और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास आने का चांसेस है हमारा 26 मॉर्निंग तक। संभाव्य बात्या परिस्थिति संपर्क में आज जातीय विपर्यय परिचालना संस्थान राज्य मान सहित आलोचना करथिले एवं से आलोचन भाग ना बेले जना पड़ता जे जो संभाव्य बात्याटी ताहा 26 तारीख बेलू स्थलभाग मुहां होई उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल ठारू सुंदरबन बांग्लादेश मध्य कौन स्थान में स्थलभाग छुई पारे। एनडीएमए पक्षर सबू राज्य को प्रस्तुत रही बात्या आश्रयस्थल जिलापाल मैंने चिन्हट करने सुखिला खाद्य प्रस्तुत रखा। ओड्राफ एनडीआरएफ और फायर सर्विस को पठा स्थानांतरण प्रक्रिया को सठिक समय करने कौन लोके जेभली कच्चा घर रहा से पदक्षेप नि विभिन्न विभाग सह आलोचना कर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने निर्देश दिया एसआरसी। जिलापाल मैंने वर्तमान अल्टरनेट साइक्लोन सेल्टर सेठी को ऑफिसर माने को दायित्व रहिबे अल्टरनेट पावर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फूड अरेंजमेंट केमती हबो ये सब संपर्क रे वर्तमान तंगर विभिन्न प्रस्तुति आरंभ कर सारिछंती। ओड्राफ एनडीआरएफ फायर सर्विस रो जो हमरो टीम माने को मध्य आमे वर्तमान मोबिलाइज कलुनी। समुद्र मध्य को जीवाकू मत्स्यजीवी को बारण कर जायछि। समुद्र को जायतिबा मत्स्यजीवी को 23 तारिख सुधा उपकूल को फेरी आसबा को कहा जायछि। ब्यूरो इनपुट सह भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट आर्गस न्यूज।